अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का 2। 5 का 2 cos a बटा 1 प्लस sin a बटा cos a बराबर 2 sec a। हमें LHS बराबर RHS प्रूव करना है, तो हम LHS से चलेंगे। LHS cos a बटा 1 प्लस sin a बटा cos a। अब हम LCM करेंगे, 1 प्लस sin a इंटू cos a। तो LCM हम जानते हैं 1/2 प्लस 1/3 हो, तो 2 और 3 का जो LCM होता है 6 होता है, अर्थात यह 6 तब होता है जब 2 गुना हम 3 करते हैं। तो वैसे ही 1 प्लस sin a इंटू cos a का जो LCM होगा 1 प्लस sin a इंटू cos a होगा, अर्थात इससे हम इसमें गुना कर देंगे तो ये हमारा LCM हो जाएगा। अब हम 2 से भाग देते हैं तो 2 कट जाता है, मिलता है 3, तो 3 से 1 में गुना करके लिखते हैं, तो वही काम करेंगे, 1 प्लस sin a से भाग देंगे तो कट जाएगा, मिलेगा cos a, और cos a से cos a में हम गुना करेंगे तो cos स्क्वायर a मिलेगा, प्लस तो प्लस। अब हम 3 से भाग देते हैं तो 3 कट जाता है, मिलता है 2, तब 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, सेम cos से भाग देंगे तो cos कट जाएगा, मिलेगा 1 प्लस sin a। अब हम 1 प्लस sin a से 1 प्लस sin a में गुना करेंगे तो 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, बटा हम इसको इतना ही रहने देते हैं, 1 प्लस sin a इंटू cos a। हम जानते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो यहां भी sin स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अर्थात साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1, प्लस 1 का स्क्वायर 1, प्लस 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, और 2 से साइन ए में गुना करेंगे तो 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 और 1 2 प्लस 2 साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो हम 2 को कॉमन कर लेंगे, तो 1 प्लस साइन ए बटा नीचे वाला उतना ही रहेगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, 1 जोड़ साइन ए से 1 जोड़ साइन ए कट जाएगा, तो मिलेगा 2 बटा cos a, और हम जानते हैं 1 बटा cos a बराबर होता है sec a, तो हो जाएगा 2 sec a।